दोस्तों, वेलकम टू ड्यूक बाबू एट बिहू द जीएसडी चैनल। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बताएंगे कि पांच चीज़ों को जो वैक्सीनेशन के पहले नहीं करना है पप्पी के साथ, क्योंकि साथियों वैक्सीनेशन के पहले कुछ स्टेप्स ऐसा हम लोग कर देते हैं जिससे कि क्या होता है, पप्पीज को बहुत हार्म पहुँचता है। एक लड़का फ़ोन किया रांची से, वो बोला कि भैया मेरा दो पप्पी डेथ हो गया, तो उसको हम पूछे तो हमको पता चल गया कि उसका पप्पी पार्वो से डेथ किया है। तो साथियों, अभी हम पांच पॉइंट्स बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको ध्यान में रखिएगा, जिससे जो कि नहीं करना है आपको वैक्सीनेशन के पहले। तो क्या होगा रिजल्ट, आपका पप्पी बिल्कुल हेल्दी रहेगा इसके जैसा। देखिए 45-50 दिन का है, कितना बड़ा शानदार कान खड़ा है देखिए। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने पप्पी को किसी दूसरे डॉग से मिलने ना दें, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे किसी का भी डॉग हो जिसको आप नहीं जानते, उससे मिलने ना दें। क्योंकि उसको कौन सा, मतलब मान लीजिए किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो फिर आपका पप्पी में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट वो हो। तो साथियों, सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने पप्पी को ऐसे ओपन ग्राउंड में नीचे नहीं रखें, ले भी जाएँ तो गोदी में लेके जाएँ। क्योंकि साथियों देखिए, ग्राउंड में क्या होता है, गोबर है, मिट्टी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात पार्वो वायरस, जो सबको पता होगा जो लोग डॉग रखे हैं, पार्वो वायरस बहुत ही डेडली वायरस है पप्पीज़ के लिए, डॉग्स के लिए मेनली। तो क्या होता है, ग्राउंड में जब फ्री ग्राउंड में लेके जाइएगा तो गोबर या फिर किसी डॉग का पोटी हो या फिर मिट्टी, पार्वो वायरस मिट्टी में लगभग बहुत सालों तक रहता है, याद था उसका एक्यूरेट डेट हमको याद नहीं है, लेकिन बहुत सालों तक रहता है। तो आप उसको फ्री ग्राउंड में ना ले जाएं जब तक आप उसको वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं। वैक्सीनेशन करवा भी लेंगे आप अगर, तो उसको ध्यान दीजिएगा, कभी भी घुमाने ले जाएं तो गोबर पोटी ये सब की तरफ ना ले जाएं। तो साथियों, तीसरा पॉइंट ये है कि अपने जो पप्पी है उसको डिसीज़ फ्री रखना है। डिसीज़ फ्री कैसे रखेंगे आप, तो इसको ऑयली खाना, नमक और चीनी ये सब मसाला ये सब बिल्कुल मत दीजिए। बड़ा जो बड़ा डॉग है उसको भी ज़्यादा मत दीजिए, है ना, तो आपका पप्पी बिल्कुल हेल्दी रहेगा इसके जैसा। देखिए कितना शरारती है साथियों। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया साथियों कि आप अपने जो पप्पी है उसको आप हार्श कंडीशन में नहीं छोड़े। हार्श कंडीशन इन द सेंस कि अभी कलयुग का समय चल रहा है और इंसानियत ख़त्म हो गया है, लोग क्या करते हैं, जो नया बच्चा ले गए उसको एक रूम में, अंधेरा रूम में बंद कर दिया, वहाँ वो पॉटी में उसी तरह रह रहा है, टॉयलेट में रह रहा है। दूसरा चीज़ है, कोई छत पर ले जाके छोड़ देता है, ठंडा का दिन है, ठंडा लग जाएगा, गर्मी का दिन है, लू लग जाएगा, इन लोगों को गर्मी और ठंडा बहुत जल्दी लगता है। तो साथियों, ये पॉइंट को आप एकदम ध्यान रखें। पॉइंट देखिए कितने बदमाश, कुटुकुटु। तो साथियों, पांचवा पॉइंट ये है कि आप अपने पप्पी को कोई भी हजार्डियस सामान के सामने नहीं रखें, कोई भी डेंजरस सामान उसके सामने नहीं रखें। क्योंकि क्या होता है, एक ऐसा केस आया था कि घड़ी कट रहा है, कोई ऐसा एक ऐसा केस आया था जिसमें क्या था कि सब्जी में दवा छिड़कने वाला जो होता है इंसेक्टिसाइड्स, उसको सामने में रखा था, तो किसी का पप्पी है सो उसको खोल दिया, खाया नहीं मेरे दोस्त का। तो साथियों, ये सब काम आप ना करें। तो साथियों, ये पांच पॉइंट का आप ध्यान रखें, और हम एक वीडियो ये भी बनाएंगे कि पांच पॉइंट एकदम करें बिफोर वैक्सीनेशन। तो साथियों, थैंक यू।